यदि हमारे पास कोई भी बंद मोबाइल फ़ोन आता है तो बंद मोबाइल फ़ोन को टेस्ट कैसे करते हैं? जितने भी सभी मोबाइल फ़ोन आते हैं तो बंद मोबाइल फ़ोन को टेस्ट करने का तरीका एक ही जैसा होता है। सभी डेड सेट को एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है। कोई भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, नोकिया हो, सैमसंग हो, चाइना हो, एंड्रॉयड हो, विंडो हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, सभी बंद फ़ोन को टेस्ट करने का तरीका एक जैसा होता है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर का मेन बोर्ड होता है। इस बोर्ड के अंदर इसे बोलते हैं पीसीबी, पूरा नाम होता है इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सभी कंपनी के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो अंदर का बोर्ड ही होता है, अंदर का पीसीबी होती है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी समस्या आती है तो इस बोर्ड के अंदर ही आती है, इसी बोर्ड को रिपेयर किया जाता है। इस बोर्ड के अंदर जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं इन्हें हम आईसी बोलते हैं, और इसके अंदर जो प्लास्टिक के लगे होते हैं जैक, स्लॉट या कनेक्टर्स बोला जाता है, और जो छोटे छोटे जितने भी बारीक से बारीक पार्ट्स लगे हैं इन सबको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है तो इस बोर्ड को ही टेस्ट किया जाता है, इस बोर्ड पे ही रिपेयरिंग की जाती है। अब देखो सेट डेट को हम टेस्ट कैसे करते हैं, सेट डेट को हम रिपेयर कैसे करते हैं। चार पांच कंडीशन ऐसी होती है जब लोग देखते ही बता देते हैं सेट बंद हो गया, मतलब ये सेट हो गया, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये बेकार हो गया। कैसे? जैसे सेट पीसीबी बैंड हो जाए, सेट के पीसीबी क्या हो जाती बैंड हो जाए, जैसे ये हमारे अंदर का जो बोर्ड होता है वो टेढ़ा हो जाए, इस तरह से क्रैक हो जाए, तो उस कंडीशन पर भी सेट बंद हो जाता है। दूसरी होती है मेन आईसी का हीट होना, सेट के मेन आईसी जो होती है वो गर्म होने लगती है। कैसे होने लगती है? गर्म होने लगती है। जैसे लाइक है जैसे आपके सीपीयू हो गया या पावर आईसी हो गया, अगर ये बैटरी लगाते ही गर्म होने लगती है, ये सेट को ऑन करते समय गर्म होने लगती है, तो भी हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तीसरी, यदि हमारे पास पीसीबी बोर्ड के अंदर हाई वोल्टेज आ जाता है, हाई वोल्टेज का मतलब होता है 250 वोल्ट कनेक्ट हो जाना। 250 वोल्ट कैसे जाता है? जैसे किसी ने चार्जर को ब्रेक करके डायरेक्ट लगा दिया, या चार्जर हमारा शॉर्ट हो गया। चार्जर शॉर्ट होने से क्या होता है, 250 वोल्ट चार्जर का एक्चुअली काम ये होता है कि वो 250 वोल्ट लेता है, 250 वोल्ट को 5 वोल्ट में आउट करता है, लेकिन अगर वो शॉर्ट हो जाएगा तो 250 लेगा 250 दे देगा। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, हमारे बोर्ड के अंदर 250 वोल्ट आ जाएगा तो हमारा बोर्ड के अंदर का पूरा सर्किट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग जाएगा जैसे आग सी लग गई, जल गया हो, बर्न हो गया हो, उस कंडीशन पे भी हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट होता है वाटर डैमेज। यदि सेट में पानी चला गया, क्या चला गया? पानी चला गया। अगर पानी में चला जाता तो भी हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है कि पानी में जाने के अंदर से क्या होता है, सेट के अंदर काई सी फंगस सी लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर के फफूंदे से बन जाते हैं, बोर्ड गल जाता है, या ऐसी कंडीशन में तो कस्टमर क्या काम करता है कि बैटरी निकाल नहीं पाता, या बैटरी डिलीवरी छोड़ देता है, या उसमें चार्जिंग लगा देता है, या बार बार उसको ऑन करने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन पर हमारा बोर्ड क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। सेट की नेक्स्ट ऐसी कंडीशन आती है कि पीसीबी शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, पीसीबी शॉर्ट हो जाए, डायरेक्ट लाइट वर्क, मतलब सेट के डायरेक्ट लाइट जल जाती है, या वाइब्रेटर वर्क, वाइब्रेटर काम करने लगता है, या सेम वैल्यू आती है, तो उस कंडीशन पे हमारा मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। तो ये सेट की चार पांच कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस कंडीशन पर मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, लेकिन इनको भी टेस्ट किया जा सकता है, इन्हें भी रिपेयर किया जा सकता है, इन कंडीशन पर भी फ़ोन चालू हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस कंडीशन में फ़ोन बंद हो जाते हैं। लोग चेक करते ही बता देते हैं सेट ख़त्म हो गया है। बंद मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए सेट में एक भी पैसे का खर्चा नहीं आता, एक भी रुपए का खर्चा नहीं आता, सिर्फ सर्विस चार्ज होता है। अब डेड सेट को चेक करने के लिए अलग अलग तरह की कंडीशन होती है, अलग अलग तरीके के तरीके होते हैं। कोई भी बंद मोबाइल फ़ोन होता है, बंद मोबाइल फ़ोन को बैटरी कनेक्टर पर चेक किया जाता है। कहाँ पर चेक किया जाए? बैटरी कनेक्टर पर। यह हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर का बैटरी कनेक्टर है। इस बैटरी कनेक्टर पर हम क्या काम करेंगे, बंद मोबाइल फ़ोन को टेस्ट करेंगे। यह बंद मोबाइल फ़ोन को इस बैटरी कनेक्टर पर टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। देखिए अब हम बात करते हैं डेड सेट चेकिंग।
टेस्ट कैसे करते हैं। बंद मोबाइल फोन को मैंने आपको बताया कि बैटरी कनेक्टर पर चेक किया जाता है। कहाँ पर चेक किया जाता है? बैटरी कनेक्टर पर। बैटरी कनेक्टर पर, बैटरी कनेक्टर पर दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। यहीं से बंद मोबाइल फोन में ये पता चल जाता है कि सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बैटरी कनेक्टर जो होता है वो सप्लाई का मेन पॉइंट होता है, क्योंकि यहीं से सप्लाई पूरे बोर्ड में फैलती है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आता है वो बैटरी कनेक्टर में टेस्ट करते ही पता चल जाता है कि इस पीसीबी बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस बोर्ड के अंदर समस्या क्या है। डेड सेट को चेक करने के लिए सेट डेड को टेस्टिंग के लिए चार टाइप की कंडीशन होती है, फोर टाइप की कंडीशन होती है। वो जो सारी कंडीशन होती है बैटरी कनेक्टर में टेस्ट करने के बाद ही पता चल जाती है। जैसे चारों कंडीशन में होती है आपकी ओके कंडीशन, दूसरी कंडीशन होती है आपकी ओपन कंडीशन। करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फोन में कितने तरह कंडीशन होती है, चार तरह की कंडीशन। पहली कंडीशन होती है ओके कंडीशन, ओपन कंडीशन, लीकेज कंडीशन, शॉर्टिंग कंडीशन। अब हम चारों कंडीशन के बारे में बात करेंगे। चारों कंडीशन का हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा ओके है, कौन सा ओपन है, कौन सा लीकेज है, कौन सा शॉर्टिंग है। फिर हमारे पास जिस कंडीशन में मोबाइल फोन होगा हम उस कंडीशन में फोन को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उस कंडीशन में फोन को रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि फोन को हमने लिया तो ये रेट मार दिया, फोन में ये पार्ट्स चेंज कर दिया, फोन में ये चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता। फोन में बोर्ड को प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है। उस प्रॉपर टेस्ट करने के तरीके क्या होता है, उसकी चार कंडीशन, उस चारों कंडीशन को हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि सेट में क्या कंडीशन है। सेट ओपन कंडीशन में है कि सेट ओपन कंडीशन में है कि सेट लीकेज कंडीशन में है कि सेट शॉर्टिंग कंडीशन। अब कंडीशन को जो टेस्ट करते हैं वो बैटरी कनेक्टर पर टेस्ट करते हैं। ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर का बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर हम कंडीशन को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर जो है ये बी पॉइंट होता है, बी पॉइंट पर सभी मोबाइल फ़ोन को टेस्ट किया जाता है। ये हमने देखो, ये बी पॉइंट पर हमने मल्टीमीटर को टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद जैसे इस हमने बोर्ड को चेक किया, इस बोर्ड को चेक करने के लिए बैटरी कनेक्टर में दो पॉइंट, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को जब आपने ऐसे दोनों पॉइंटों को मल्टीमीटर इसे प्रोब बोलते हैं, दोनों प्रोब को जब आपने ऐसे रखा तो ये प्रोब को आपने चेक किया, एक तरफ से वैल्यू आया, ठीक है, ये आपकी वैल्यू शो कर रहा है। दूसरी तरफ से आपने जब मल्टीमीटर को पलट करके रखा तो इसमें एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसे हम बोलते हैं ओके कंडीशन। ओके कंडीशन का मतलब होता है कि बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर एक तरफ से 250 से लेकर के 600 तक वैल्यू आती है, दूसरी साइड से आता है वन वन। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यार एक तरफ से वैल्यू बताता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं बताता, तो ये हमारे मोबाइल फोन की ओके कंडीशन होती है। बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से चेक करने पर एक तरफ से वैल्यू बताता, एक तरफ से वैल्यू नहीं बताता, इसे बोलते हैं ओके कंडीशन। ओके कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमारे बोर्ड की, पीसीबी बोर्ड की सप्लाई ट्रैक ओके है। हमारे अंदर बोर्ड का जो सप्लाई ट्रैक है वो सप्लाई ट्रैक ओके है, सप्लाई ओके है। अब बोर्ड पे सप्लाई ओके होने के बाद कुछ भी एनी वन छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सर्किट के अंदर कोई भी सप्लाई अपना काम करे या उसका कोई कार्बन आ जाए या इस छोटी सी बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस कंडीशन पे हमारा फोन चालू हो सकता है। फिर आपकी साइड की दूसरी कंडीशन आती है, ओपन कंडीशन होती है। ओपन कंडीशन का मतलब होता है जैसे ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को हमने टेस्ट किया, यदि हम बैटरी कनेक्टर पर लगाते हैं और बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं बताता, जैसे इस तरफ से भी कोई वैल्यू नहीं बता रहा है और हमने जब मल्टीमीटर को लिया इस साइड से भी कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, दोनों साइड से चेक करने पर कोई वैल्यू नहीं बताता, यानी कहने का मतलब होता है इस साइड से भी वन बताता है और इस साइड से भी वन बताता है, तो इसे बोलते हैं साइड की ओपन कंडीशन। जैसे ये हमारे मोबाइल फ़ोन पीसीबी बोर्ड की ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो पीसीबी बोर्ड होता है, इस पीसीबी बोर्ड के अंदर की जो सप्लाई होती है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब अंदर की जो प्लस माइनस करंट होता है जो बोर्ड के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि प्लस माइनस करंट होता है जब आप ये बैटरी को लेते हैं, बैटरी को यहाँ पर प्लस माइनस को अटैच करते हैं, वो आपका जो 3.7 वोल्ट होता है वो बोर्ड के अंदर जाता है, पूरे बोर्ड में फैल जाता है, पूरे बोर्ड को एक्टिव कर देता है।
लेकिन अगर इसकी सप्लाई ब्रेक हो जाएगी तो अंदर करंट जाएगा नहीं, जब अंदर करंट नहीं जाएगा तो आपका बोर्ड नहीं एक्टिव होगा, जब बोर्ड नहीं एक्टिव होगा तो आपका मोबाइल फोन बंद नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा, चालू नहीं होगा। तो इस बोर्ड के इस साइड की हमारी कौन सी कंडीशन है? ओपन कंडीशन, मतलब इसका सप्लाई ट्रैक अंदर का ब्रेक हो गया, वो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सेट की आपकी तीसरी कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं लीकेज कंडीशन। लीकेज कंडीशन का मतलब होता है यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, जैसे ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को हमने मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट किया, मल्टीमीटर से टेस्ट करने पर, इस तरफ से चेक करने पर हमारा मल्टीमीटर क्या देता है, वैल्यू देता है। इस तरफ से चेक किया तो मल्टीमीटर ने क्या किया, वैल्यू दिया। दूसरी तरफ से हमने चेक किया तो इस तरफ से भी वैल्यू दिया। फिर हमने मल्टीमीटर को चेक किया, फिर भी हमारा चेक करने पर वैल्यू दे रहा है। तो दोनों साइड से चेक करने पर वैल्यू देता है, इस साइड से भी वैल्यू देता है और इस साइड से भी वैल्यू देता है। तो इसे सेट की बोलते हैं लीकेज कंडीशन। मतलब बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर एक तरफ से 250 से 500 या 600 तक वैल्यू आती है और दूसरी तरफ से वैल्यू आती है 200 से लेकर के 1900 तक वैल्यू आती है। आपका कहने का मतलब इस तरफ से भी वैल्यू आ रही है और उस साइड से वैल्यू आ रही है। तो इसे सेट की लीकेज कंडीशन बोला जाता है। लीकेज कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमारी मोबाइल फोन की कहीं ना कहीं आउटपुट सप्लाई है वो आपस में कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है। क्या हो रही है? शॉर्ट हो रही है। बोर्ड के अंदर आउटपुट सप्लाई कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रही है या कोई भी पार्ट आईसी लीक हो गई है जिस कारण से हमारा मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। अगर इस कंडीशन में फोन चालू भी होता है तो फोन का बैटरी बैकअप बहुत गिर जाता है। मतलब बैटरी ड्रिंकिंग की समस्या आ जाती है कि शायद हमारा मोबाइल फोन बैटरी पीने लगता है कि बैटरी की खपत ज्यादा होने लगती है। जो हमारे फोन का बैकअप जो एक दिन चल रहा होता है, जो 24 घंटे चल रहा होता है, मात्र दो घंटे 3 घंटे में खत्म हो जाता है। कस्टमर कहता है कि मेरे फोन में बैटरी चली नहीं रही, बैकअप नहीं दे रहा है, जबकि हमने 2-3 बैटरी चेंज कर ली। तो ये सारी कंडीशन लीकेज में आता है कि हमारा बोर्ड जो होता है बैटरी को ड्रेन करने लगता है, बैटरी को पीने लगता है, जिस कारण से हमारी बैटरी प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात आता है कि यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन आता है, इसे बोलते हैं लीकेज कंडीशन। यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन आता है, अगर हमने सेट के बैटरी कनेक्टर में चेक किया और बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से क्या आती है, बीप आ रही है। आपने बैटरी कनेक्टर में चेक करते हो तो दोनों तरफ से चेक करने पर क्या आ रही, बीप आ रही है। इधर से भी आपने चेक करने पर बीप दे रहा है और इस साइड से भी आपने चेक किया तो भी बीप दे रहा है। तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर यदि दोनों तरफ से बीप देता है, दोनों तरफ का मतलब होता है कि प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस में आप टेस्ट कर रहे हो तो दोनों तरफ से बीप देता है, इधर से भी बीप देता है और इधर से भी बीप देता है। तो ये हमारे मोबाइल फोन की शॉर्टिंग कंडीशन होती है। तो ये सेट को चेक करने की 4 तरह की आपकी कंडीशन बनी हुई है। चारों कंडीशन में आप मोबाइल फोन को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर कोई भी मोबाइल फोन आ गया, मान लिया हमारे पास ये मोबाइल फोन आ गया, कस्टमर कहता है ये फोन चालू नहीं हो रहा है। तो चालू ना होने पर सबसे पहले मोबाइल फोन को खोलेंगे, मोबाइल फोन की सबसे पहले आप बैटरी को टेस्ट करेंगे। बैटरी को ये टेस्ट करेंगे कि बैटरी हमारी 3.7 वोल्ट चार्ज है कि नहीं है। अगर बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद आप बोर्ड को खोलने से पहले उसकी सप्लाई को चेक करेंगे। सप्लाई जो होता है वो बैटरी कनेक्टर में चेक किया जाता है, क्योंकि यहीं से सप्लाई पूरे बोर्ड में फैल जाती है। हमने मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट किया, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद हमने प्लस माइनस भी इस पर चेक किया। ये देखिए, ये हमने चेक किया तो एक तरफ से वैल्यू बता रहा 337। उसके बाद फिर हमने मल्टीमीटर को लिया, मल्टीमीटर को हमने दूसरी तरफ से चेक किया, दूसरी तरफ से चेक करने पर कुछ नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बोर्ड ओके है। इसका बोर्ड क्या है? ओके है। ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन होता है, रेशियो हमारा ऐसा होता है कि यदि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन आते हैं, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर क्या है कि मान लीजिए 10 मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो 10 में से हमारा रेशियो यही रहता है कि 7 से 8 मोबाइल फ़ोन को हम चालू करते थे। कैसे चालू करते हैं कि सेट को चालू करने में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये रहती है कि यदि आपका मोबाइल फ़ोन ओके कंडीशन में है तो ओके कंडीशन में आपका मोबाइल फ़ोन 60 से लेकर 70% मोबाइल फ़ोन आपके चालू हो जाते हैं। मतलब 10 फ़ोन आएंगे तो 10 में से 6 से 7 फ़ोन आपके चालू हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी होता है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में ये रहता है कि यदि हमारे मोबाइल फ़ोन की सप्लाई ब्रेक है तो इस कंडीशन पर 90% मोबाइल फ़ोन आपके चालू हो जाते हैं। लीकेज शॉर्टिंग में रहता है कि आपके 30 से लेकर 40% मोबाइल फ़ोन आपके चालू होते हैं। तो ये रेशियो रहता है, ज़्यादातर मोबाइल फोन है इन कंडीशन में फोन को टेस्ट किया जाता है। अब फोन को हम प्रॉपर टेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि इनकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं। यदि हमारे ओके कंडीशन में मोबाइल फ़ोन आ गया, उसके बाद भी नहीं चालू हो रहा, यदि हमारा ओपन कंडीशन में मोबाइल फ़ोन आ गया उसके बाद भी नहीं चालू हो रहा है, यदि हमारा लीकेज कंडीशन में मोबाइल फ़ोन आ गया उसके बाद भी नहीं चालू हो रहा है, शॉर्टिंग कंडीशन में आ गया तो मोबाइल फ़ोन फिर भी नहीं चालू हो रहा है, तो कोई भी 4 कंडीशन आती है, 4 कंडीशन में मोबाइल फ़ोन यदि बंद हो जाता है तो उस बंद फ़ोन को हम टेस्ट कैसे करते हैं? इन चारों अलग अलग कंडीशनों में मोबाइल फ़ोन को टेस्ट किया
आता है, चारों अलग अलग सिस्टम से हम चेक करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हमने जैसे पिछले पढ़ाई हमने देखा कि ये हमारी सेट की चार कंडीशन होती हैं, कि चार अलग अलग कंडीशन होती हैं जो टेस्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं ओके कंडीशन, इसकी बात करते हैं ओके कंडीशन। ओके कंडीशन में मोबाइल फ़ोन होगा तो आप उसे रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए आज हम देखने वाले हैं कि ये हमारे पास जो बोर्ड दिया हुआ है सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, इस सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन के अंदर ये हमारा मोबाइल फ़ोन को टेस्ट करेंगे कि कैसे हमारा फ़ोन चालू होता है। तो सबसे पहले इस बोर्ड में ये लगा हुआ आपका बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर में हम टेस्ट करेंगे। बैटरी कनेक्टर में आपने जैसे चेक किया, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को पिन को लिया, आपने देखा मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट किया। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद आपने मल्टीमीटर को इसके दोनों पॉइंटों में लगाया, तो आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक तरफ से वैल्यू आ रही है और फिर आपने इसे जब चेंज करके आपने देखा दूसरी तरफ से वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे बोर्ड की कौन सी कंडीशन है? लीकेज कंडीशन। इस कंडीशन पे हमारा मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा। अगर चालू भी होगा तो क्या होगा, बैटरी ज़्यादा ड्रेन करेगा। क्या प्रॉब्लम आएगी? बैटरी ज़्यादा ड्रेन करेगी। कि हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन आता है तो इसे मैंने ओके कंडीशन में देखा, ओके कंडीशन में चेक करने पर एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं बताएगा और हमने जब बोर्ड को चेक किया, हमने दूसरी तरफ से चेक किया तो ये हमारे वैल्यू आ रही है, वैल्यू बताया। तो ये हमारे साइड की कौन सी कंडीशन? ओके कंडीशन में सबसे पहले फ़ोन को हम टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि ओके कंडीशन में कोई भी मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैटरी को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बैटरी को चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है, सबसे पहले आप बैटरी को टेस्ट करेंगे। बैटरी को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट पर लगाना पड़ेगा। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर लगाया, 20 वोल्ट पर लगाने के बाद ये हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है, बैटरी में दो पॉइंट लिखे होते हैं प्लस और माइनस। हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्ट तक होती है। सभी मोबाइल फ़ोन में इतनी ही बैटरी डालती है, बस बैटरी का साइज़ छोटा बड़ा होने लगता है। बैटरी का जितना बड़ा साइज़ बढ़ेगा उतना ज़्यादा बैटरी का एमएच बढ़ता है। एमएच जो होता है वो बैटरी की कैपेसिटी को बोलते हैं, ये बैटरी को कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं बैटरी को टेस्ट कैसे करते हैं। बैटरी में दो पॉइंट है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को जब आपने मल्टीमीटर से लगाया तो ये आपकी बैटरी बता रहा 3.7, मतलब आपकी बैटरी क्या है, चार्ज है। आप हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज है। तो सबसे पहले आपने बैटरी को चेक कर लिया। बैटरी चेक करने के बाद आपको क्या करना है, बैटरी जो है ये टिप्स दिख रहे हैं, इन टिप्स को आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रैच करना है। जितनी भी सारी पिनें होती हैं, सारी पिनों को क्या करना होता है, ऐसे स्क्रैच करना होता है। आपने बैटरी कनेक्टर के सभी पिनों को स्क्रैच कर लिया। स्क्रैच करने के बाद भी आपका मोबाइल फ़ोन यदि चालू नहीं होता तो फिर आपने पीसीबी बोर्ड लेना है। पीसीबी बोर्ड लेने के बाद ये जो पिन्स होती हैं बैटरी कनेक्टर के, इन्हें भी ऐसे साफ कर लेना है, ऐसे स्क्रैच कर लेना है। पीछे की जो बैटरी कनेक्टर के पिन्स होते हैं इन्हें क्या कर लेना, ऐसे स्क्रैच कर देना, साफ कर देना, या आयरन से आप इन्हें सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने बैटरी कनेक्टर को भी कर लिया, उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चालू होता तो आप पूरे फ़ोन को खोलो, मतलब उसे असेंबल डिसेंबल करो, मतलब खोल के उसे दोबारा पैक करो। ऐसा होता है जैसे हमारा फ़ोन गिर जाता है या कोई उसका पार्ट ढीला हो जाता है या जैक कनेक्टर ओपन हो जाता है तो हमारा मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होता। तो हमने फ़ोन को क्या करना है, खोलना है, फ़ोन को खोल करके दोबारा से उसे पैक करें। उसके बावजूद भी हमारा फ़ोन चालू नहीं होता तो इस पीसीबी बोर्ड लो, इस पीसीबी बोर्ड को थिनर से लेकर या वाइट से लेकर के पूरे बोर्ड को ऐसे साफ करो। साफ करने के बाद उसे गर्म करो। ये हम इसलिए करते हैं जैसे हमारे साइड के अंदर नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है या कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो हमारा फ़ोन नहीं चालू हो रहा तो हम साफ सुथरा से जैसे हीट करते हैं तो हमारा फ़ोन चालू हो जाता है। तो उसके बाद दूसरा आता है अगर सेट में क्या करना है कि अगर इसके बावजूद भी फ़ोन नहीं चालू होता तो फिर आप सेट में सबसे पहले आप सेट के ओनर स्विच की सप्लाई को चेक करेंगे। ये मोबाइल फ़ोन का ओनर बटन होता है, क्या बोलते हैं इसे, ओनर बटन होता है। ये ओनर बटन क्या काम करता है, सेट को चालू करता है। सबसे पहले आप बैटरी लेते हैं, बैटरी को जैसे ही आप बैटरी कनेक्टर पर आप अटैच करते हैं, इस तरह से जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये करंट अंदर जाएगा, अंदर करंट इस आईसी के अंदर जाएगा। आईसी क्या करेगी, सबसे पहले ओनर स्विच को सप्लाई देगी। जब ऑन ऑफ स्विच बटन को आप शॉर्ट करेंगे, ऑन ऑफ स्विच में एक पॉइंट प्लस होता है एक माइनस होता है, जब ऑन ऑफ बटन को आप शॉर्ट करते हैं तो एक ट्रिगर सा होता है और आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट होकर के फ़ोन चालू हो जाता है। तो हम देखिए हमारा फ़ोन चालू नहीं हो रहा होगा तो बैटरी कनेक्टर भी ओके है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ बटन की सप्लाई को चेक करेंगे। ऑन ऑफ बटन को सप्लाई चेक करने के लिए ये पत्ता जो होता है, इस पत्ते को आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ये पत्ता एक सेलो टेप की तरह होता है, वाइट कलर का पेपर जैसा होता है। इस पत्ते के नीचे जितने भी सारे आपके कीपैड्स होते हैं वो सारे कीपैड जो होते हैं इस पत्ते के नीचे लगे होते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, इस पत्ते को ओपन करते हैं। इस पत्ते को ऑन ऑफ का पत्ता ओपन हो गया, ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। अब हमें क्या करना है, इस पर वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले आप पीसीबी बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड के अंदर बॉडी के अंदर फिट करेंगे, इसके बोर्ड लीजिए,
ये देखिए, ये इसके पीछे की बॉडी यानी हड्डी को बोला जाता है, बेस बोलते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, इस बोर्ड को आपने ऐसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर आपने बैटरी लेनी है। बैटरी लेने के बाद आपने क्या करना है, इस बोर्ड को ऐसे लगा लेना है। बोर्ड को लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस पर वोल्टेज चेक करना है। अगर आप इसमें ऐसे चेक करेंगे तो इसमें वोल्टेज आएंगे। इसमें चेक कर 1.8 से लेकर के 3.7 तक वोल्टेज आते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इस तरह से वोल्टेज आएंगे। देखिए आपके बोर्ड में वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वोल्टेज आ रहे हैं। हमने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर में हमने इस पर वोल्टेज चेक किया, इस वोल्टेज आ रहे हैं। वोल्टेज आने का मतलब होता है इसका ऑन ऑफ स्विच ओके है। क्या है? ऑन ऑफ स्विच ओके है। ओके है। यदि हमारे पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच जो होता है वो पत्ते वाला लगा होता है। कैसा लगा होता है? पत्ते वाला लगा होता है। तो आप यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए, तो ये ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो वोल्टेज आने का मतलब ये है कि इसकी बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई है पावर आईसी तक पहुंच रही है, और पावर आईसी की सप्लाई ऑन ऑफ बटन तक पहुंच रही है, मतलब इसका ट्रैक ओके है। तो आपने इतना सारा चीज चेक कर लिया। अब उसके बावजूद भी हमारा फोन नहीं चालू हो रहा है, ऑन ऑफ बटन के बावजूद भी हमारा मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज भी आ रही है। अगर मान लिया इनकेस अगर ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज नहीं आते, ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज नहीं आते हैं आते, तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फोन का ऑन ऑफ स्विच खराब है। अगर ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाएगा तो मल्टीमीटर को आप बी पॉइंट पर सेट करेंगे। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद जब ऑन ऑफ में चेक करेंगे तो ऑन ऑफ में चेक करने पर इसका एक पॉइंट माइनस होता है, एक पॉइंट प्लस होता है। आप मल्टीमीटर को कहीं भी ग्राउंड पर लगा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर साइड पर ग्राउंड पर लगा लिया है। इसके बाद जब हम इसे हम टेस्ट करेंगे तो इसमें माइनस में चेक करने पर बी पाएगी, माइनस में चेक करने पर बी पाएगी, प्लस में चेक करने पर वैल्यू आएगी, ठीक है जी। अगर माइनस पे बीप आती है तो माइनस को ओके है, प्लस पे बीप आती है तो प्लस का ओके है। ये जो माइनस अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, प्लस अंदर हो सकता है बाहर हो सकता है, क्योंकि दोनों पिनों का इसकी मोटिव होता है शॉर्ट करना। अगर मान लिया माइनस बीप आई तो माइनस को ओके है लेकिन प्लस पे वैल्यू नहीं आ रही। अगर प्लस पे वैल्यू नहीं आ रही है तो आपको प्लस पॉइंट से लेकर के इसका कहीं ना कहीं बोर्ड में रजिस्टर लगा होगा, यह ट्रैक होगा, कंपोनेंट लगा होगा। तो आपको उस कंपोनेंट को ढूंढना पड़ेगा, जो कंपोनेंट जहाँ पर ख़राब मिलेगा उस पर आप जम्पर मार देंगे। या चाइनीज कंपनी के मोबाइल फ़ोन में जो होता है, चाइनीज कंपनी की जो पीसीबी आती हैं, उस पीसीबी के अंदर क्या होता है, आरएक्स टीएक्स पावर इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं। तो अगर ऑन ऑफ स्विच का बटन का ख़राब हो जाता है तो आप पावर टिप से जम्पर मार सकते हैं, तो आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा। ज़्यादातर सभी मोबाइल फ़ोन में 90% मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, ऑन ऑफ स्विच जो होता है उसका पावर आईसी से कनेक्शन होता है। अगर ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज नहीं आते तो ऑन ऑफ स्विच को ट्रैक को चेक करेंगे, उसके ट्रैक में या तो रजिस्टर लगा होता है, या तो कॉइल लगी होती है, या तो कैपेसिटर लगा होता है। उन दोनों में से क्या होता है कि अगर रजिस्टर कॉइल ख़राब हो जाएगी तो आप उसको टेस्ट करके ख़राब होगा तो आप उसे जम्पर मार देंगे, फिर आपका ऑन ऑफ स्विच में वोल्टेज आ जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि ऑन ऑफ वोल्टेज ट्रैक ख़राब है तो आप इस तरह के इस ट्रैक को आप टेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेट को सॉफ्टवेयर से चेक करें। आप मोबाइल फ़ोन लिया, इसको सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी देखेंगे। हमारे मोबाइल फ़ोन का अगर सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा तो भी हमारा मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा, डेड हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर से भी चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद पीसीबी में पावर आईसी के पास में लगे सभी कंपोनेंट्स को चेक करें। हमारे बोर्ड के अंदर ये जाली लगी होती है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जाली को आसानी से आपको रिमूव करना पड़ेगा। जब आप जाली को रिमूव करेंगे तो इस बोर्ड के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सारे कंपोनेंट को एक एक करके पावर आईसी के पास में होते हैं, उन सारे कंपोनेंट को मल्टीमीटर से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या है, यह हमारे बोर्ड के अंदर जाली लगी है, इस जाली को हमने रिमूव कर दिया है। इस जाली के अंदर हमारे बोर्ड के अंदर ये पावर आईसी लगी हुई है, ये सीपीयू है। तो इसके पार्ट में जितने भी सारे ब्राउन कलर के जो कंपोनेंट होते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स को आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जब कंपोनेंट्स को आप टेस्ट करेंगे, अगर उनमें से कोई ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो आप उसे हटा देंगे, ठीक है जी। उसके बावजूद भी हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम सेम है तो आप चार्जिंग जैक को हटा दीजिए। अगर हमारे बोर्ड का चार्जिंग जैक ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, इसके अंदर काई सी फफूंदी से जम जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर के फंगस से जम जाती है या शॉर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन पर आप चार्जिंग जैक को हटा देंगे और आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाता है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन जैक हटाने से चालू हो जाता है तो आप नया जैक डाल देंगे। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम फिर भी नहीं सही हो रहा है तो आप आरटीसी क्रिस्टल को रिसोल्ड करेंगे। आरटीसी क्रिस्टल जो होता है ये लगा होता है, ये ब्लैक कलर का लंबा सा होता है या स्टील बॉडी में होता है, ये बोर्ड में लगा होता है। अगर आप इस बोर्ड में देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है। ये आरटीसी क्या काम करता है, हमारे सेट में ऑन ऑफ स्विच की पल्स को जनरेट करता है। तो इस आरटीसी क्रिस्टल को आप रिसोल्ड करेंगे।
उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, तो फिर आप सेट में डिस्प्ले को चेंज करके देखेंगे, मतलब आप नया डिस्प्ले लगा करके देखेंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन गिर जाता है तो डिस्प्ले पत्ता ख़राब हो जाता है, लाइट पत्ता ख़राब हो जाता है, इस कारण से भी नहीं आती, तो यार डिस्प्ले दोबारा लगा कर देखेंगे या सेट में लाइट की प्रॉब्लम आ रही होगी तो लाइट की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। डिस्प्ले उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो फिर आप पावर आईसी को रिसोल्ड करेंगे, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो सीपीयू या फ्लैश आईसी को रिसोल्ड करेंगे। अगर उसके बावजूद भी फ़ोन नहीं चालू होता, पीसीबी को रिसोल्ड करेंगे, फिर भी प्रॉब्लम सेम है तो आपका बोर्ड और नहीं हो सकता, मतलब आपका फ़ोन गिर हो गया। ऐसा करने से क्या होता है, ज़्यादातर हमारे मोबाइल फ़ोन में जब आप वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप अगर एक एक करके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यहीं देखते हैं आपको फ़ोन को चालू हो जाएगा। जैसे आपके पास फ़ोन आया तो सबसे पहले आपने बैटरी को चेक किया, अगर आपकी बैटरी डाउन, कस्टमर की बैटरी डेड हो जाती है तो आप उसे निकालते हो, बूस्ट करके बैटरी को चालू कर देते हो, फिर फ़ोन को थोड़ी ना ओपन करोगे आप। तो इस तरह से आपने बैटरी को चेक कर लिया, अगर बैटरी और बैटरी कनेक्टर को साफ कर लिया उसके बावजूद भी यदि आपका फ़ोन वहीं पर चालू हो जाता है तो ये सारे काम करने की आपको जरूरत थोड़ी ना है। तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप